गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। जब कक्षा में शिक्षक शिक्षण कार्य करता है तो उसको कुछ सिद्धांतों का, प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इससे अगर वो इन सिद्धांतों के अनुसार शिक्षण कार्य करता है तो सफल शिक्षण होता है, प्रभावी शिक्षण होता है। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। फर्स्ट है स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। ये स्वक्रिया, सेल्फ एक्टिविटी से तात्पर्य है स्वयं कार्य करना, कोई क्रिया करना। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को बालक को स्वयं क्रिया करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब वह कक्षा में सिखा रहा है तो उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी बालक को देनी चाहिए जो कि बालक स्वयं कर सके, क्योंकि जब वह कोई कार्य क्रिया के द्वारा सीखता है तो वह प्रभावी होता है और इस तरह से वो प्रभावी ज्ञान ग्रहण कर पाता है। सेकेंड है प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। व्यक्ति की आंतरिक शक्ति जो उसमें क्रियाशीलता उत्पन्न करती है और लक्ष्य की प्राप्ति तक चलती रहती है, उसे प्रेरणा कहते हैं। यदि शिक्षक छात्रों को प्रेरित करे, उनको मोटिवेट करे और फिर ज्ञान प्रदान करें तो बालक क्रियाशील रहकर वह ज्ञान प्राप्त करते हैं, और यदि बालक की जिज्ञासा क्रियाशीलता बनी रहती है तब वह प्रभावी ज्ञान प्राप्त करते हैं। थर्ड है अनुभव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। बालक को सिखाई जाने वाली बात का संबंध उसके जीवन के अनुभव से होना चाहिए। जब भी शिक्षक कक्षा में बालक को कुछ सिखाए तो उसके डेली लाइफ से संबंधित करके एग्जाम्पल दें, क्योंकि हम जब उदाहरण के द्वारा सीखते हैं तो उदाहरण हमको लंबे समय तक याद रहते हैं, लेकिन जो वो उदाहरण ऐसे होने चाहिए जो कि उसके जीवन से संबंधित हों, उसके अनुभव से संबंधित हों। प्रत्येक पाठ का प्रारंभ उस बात से होना चाहिए जिसका अनुभव बालक कर चुके हैं। अगर हम नवीन ज्ञान दे रहे हैं तो उसको पूर्व ज्ञान से जोड़कर हम नवीन ज्ञान दें तो भी बालक अधिक अच्छी तरह से सीखते हैं। तो अनुभव के सिद्धांत के अनुसार बालक जितना अनुभव करता है उतना वह सीखता है। नेक्स्ट है सोदृश्यता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एम। प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक पाठ का भी एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षक को पाठ के उद्देश्य की अगर जानकारी नहीं है तो उसको अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। इसलिए शिक्षक को अपने उद्देश्यों का निर्धारण पूर्व में ही कर लेना चाहिए, उसके उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए और इससे शिक्षण कार्य रोचक और प्रभावशाली बनता है। नेक्स्ट है मानसिक तैयारी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल प्रिपेयरनेस। जब बालक को ज्ञान प्रदान करे शिक्षक तो पहले उनको मानसिक रूप से तैयार कर दे। अगर बालक सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार होंगे, मेंटली प्रिपेयर होंगे, तो वो सही प्रकार ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे और प्रभावी शिक्षण होगा। लेकिन अगर बालक कक्षा में पहले से मानसिक रूप से तैयार नहीं है और शिक्षक उनको सिखाता है तो बच्चे उस ज्ञान को ग्रहण करने में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए मानसिक तैयारी के सिद्धांत के अनुसार बालक को मानसिक रूप से तैयार करके फिर शिक्षण कार्य करना चाहिए। चुनाव का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेलेक्शन। चुनाव के सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को, क्योंकि बहुत सारे विषय वस्तु का, बहुत सारे पूरे सिलेबस का ज्ञान बालक को प्रदान करना होता है, इसलिए शिक्षक को उसमें से क्या इम्पॉर्टेंट है और वो एक टॉपिक को कितने पीरियड्स में पढ़ा सकता है, अपने कंटेंट को डिवाइड कर ले और फिर उसमें से सिलेक्शन करे कि वो एक पीरियड में कितने विषय वस्तु को छात्रों को पढ़ाएगा। उसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों पे उसको ज़्यादा ध्यान देना है, बच्चों को क्या चीज़ कैसे सिखानी है, तो ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया टीचर पहले से डिसाइड कर ले, उसके अकॉर्डिंग वो क्लास में पढ़ाएगा तो शिक्षण सफल होगा। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। अपनी रुचि के कार्य को बालक अधिक मन लगाकर करता है। शिक्षण को उपयोगी और प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ विषय को बालक की रुचि अनुसार यदि शिक्षक पढ़ाता है, पढ़ाने में छात्रों की पहले से अगर रुचि जागृत कर दी जाए तो उसको पढ़ाने में टीचर को भी मज़ा आता है और बालक भी रुचि लेकर उसको पढ़ते हैं और अच्छी तरह वह ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं।
पूर्व नियोजन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ प्री प्लानिंग, इसके अनुसार सफलता का आधार नियोजन है। पहले से शिक्षक को कक्षा में जाने से पूर्व पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, पूरी प्री प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि मैं कक्षा में किस तरह से बालक को पढ़ाऊँगा, बच्चों का कितना आयु स्तर है, बच्चों को क्या पढ़ाना है, कौन सी विधि का प्रयोग करना है, कौन सी टीचिंग एड का यूज करना है, और पढ़ाने में बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चों की क्या डिफ़िकल्टी हो सकती है, उसका मैं क्या सॉल्यूशन दूंगा। अगर टीचर ये पहले से प्री प्लानिंग कर ले तो उसका पढ़ाना भी में दिक्कत नहीं आएगी और बच्चे भी सही से ज्ञान ग्रहण कर पाएंगे। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। शिक्षक को कक्षा का वातावरण स्वतंत्रतापूर्वक रखना चाहिए, बच्चों को डांटना बहुत अधिक नहीं चाहिए। बच्चों का अगर हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो वो बच्चे उस टीचर से पढ़ने में रुचि नहीं लेंगे, इसलिए कक्षा का स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण होना चाहिए। बच्चे अपने क्वेश्चन पूछ सकें टीचर से, बच्चे अपने प्रॉब्लम शेयर कर सके, ऐसा वातावरण क्लास में होना चाहिए जिससे बच्चे इंटरेस्ट लेके पढ़ सकेंगे। अगर उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वो अपने टीचर से पूछ सकेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक कक्षा में सभी बालक एक से नहीं होते, सभी के बुद्धि स्तर अलग अलग होता है और सबकी व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी पाया जाता है, लेकिन शिक्षक को एक साथ सभी बच्चों को पढ़ाना है तो उसको यहाँ पे कक्षा में प्रतिभाशाली बालक भी है, सामान्य स्तर के भी है और मंदबुद्धि भी हैं, इन सबको ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करना चाहिए। दोहराने का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। शिक्षक को छात्रों के पाठ का जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है उसका रिवीजन भी करवाना चाहिए, क्योंकि अगर अभ्यास पुनराभ्यास टीचर करवाएगा तो वो छात्रों को लंबे समय तक याद रहेगा। कई बार होता है कि एक बार टीचर ने पढ़ा दिया और लंबे टाइम तक उसका रिवीजन नहीं करवाया तो बच्चे वो भूल जाते हैं, तो जब टीचर कठिन पार्ट को पढ़ाता है तो कुछ समय बाद उसका रिवीजन भी अगर करवाता है, अभ्यास करवाता है, तो वो बालक को लंबे समय तक याद रहता है। नेक्स्ट है सहसंबंधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसका अर्थ है कि जब टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाता है तो उसको अदर सब्जेक्ट से रिलेट करके कोरिलेट करके पढ़ाना चाहिए, इससे बालक एक सब्जेक्ट को, क्योंकि जब दूसरे सब्जेक्ट से रिलेट करके पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में आसानी होगी और उनका ज्ञान भी स्पष्ट होगा। अगर शिक्षण कार्य करते वक्त शिक्षक इन सिद्धांतों का ध्यान रखे तो वह एक सफल प्रभावी शिक्षण कर सकता है। धन्यवाद।